देखो मैं किसको लेकर आया। हाँ हाँ समझ गया, बाप है तेरा। सलाम चाचा। अरे भाई ये मेरा बाप नहीं है। भाई इनकी बात तो सुन लो। भाई को पूरा कुछ पसंद नहीं, भाई तो लड़की के साथ भी आधे में उड़ जाता है। क्यों भाई? अबे ये बाप नहीं तो कौन है तेरा? अरे ये बहुत अमीर आदमी है भाई, करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है। चल माल निकाल। इसको बॉस किसने बनाया यार? क्या? कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, निकालेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक एक्सीडेंट में इसके भी सर पे चोट लग गई थी, तो ये भूल गया कि इसने अपना सारा पैसा हीरा जवाहरात कहाँ छुपा के रखा हुआ है। अरे यार अगर इसकी याददाश्त नहीं तो क्या इसका मैं चाड़ा डालूंगा? इसको तू लेकर क्यों आया? अरे भाई याददाश्त आने पर कल्टी मार गया तो? इसलिए यहाँ रहेगा तो हमारे सामने रहेगा, जब इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। तो इसकी याददाश्त आएगी कैसे? बेटा मैंने सुना है कि अखरोट और बादाम खाने से याददाश्त जल्दी आती है। वाह चाचा वाह, अखरोट और बादाम याद है लेकिन माल की तरह याद नहीं है। ए पंडर लोग, जी भाई। इसको जो मांगता है देना, लेकिन इसकी याददाश्त वापस आनी चाहिए। एक तो वैसे ही धंधा मंदा है, ऊपर से बड़े भाई ने डंडा करके रखा है। ए जो जो, वो बुढ़िया का क्या हुआ? भाई वो बुढ़ी बहुत शानी है, जब भी देखो नया गोली देती है। अरे यार तुम लोग कोई काम के नहीं हो। एक ये बुढ़ा है जिसको याद नहीं कि माल का है, और एक वो बुढ़िया है जिसको सब याद है लेकिन माल देना नहीं चाहती। पता नहीं हफ्ता कब मिलेगा। सलाम भाई, काम हो गया। आओ मेरे शेर। सलाम खतरनाक भाई। इंग्लिश में? हाँ डेंजर भाई। मुझे पता था ये काम तू आराम से कर लेगा। भाई एक चुटकुला याद आ गया। हाँ सुना ना। भाई दो लड़के होते हैं, वो एक दिन एक बुढ़िया के पास वसूली के लिए जाते हैं, लेकिन हाँ फिर बस हो गया भाई, चुटकुला हो गया। हाय, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया। ये क्या है? चेक है भाई, चेक। अबे साले ये तो मैं भी जानता हूँ, पर तू चेक क्यों लाया? अरे भाई वो सेठ बोला उसको कैश में कोई टैक्स वैक्स का प्रॉब्लम है, तो मैं 35,000 के 10 चेक लेकर आ गया। अबे साले तू हफ्ता वसूलने गया था कि ईएमआई की किस्त लाने? पहले तू ये बुड्ढे को लेकर आया, अब ईएमआई की चेक लेकर आया, तू कभी कैश वैश लाएगा कि नहीं? डेंजर भाई, अबे साले इस पे डेंजर भाई क्यों लिखा है? क्या भाई आपका नाम माधुरी दीक्षित है क्या? हरामखोर, तेरे को मालूम नहीं है कि डेंजर भाई मैं इन लोग के लिए हूँ। मेरा असली नाम सोहेल खान है। हाँ सलमान का भाई ना। ए चुप ना, ये कैसे लोग पाल रखे हैं मैंने? अबे इसको कैश कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, पहले फॉर्म लाने का, उसमें नाम पता और अकाउंट नंबर लिखने का, और बैंक में भर देने का। 12% सर्विस चार्ज, 0.5% स्वच्छ भारत अभियान का पैसा, और 10.5% वैट। अबे तेरी तो पटले। वैट नहीं, भूले बिसरे आप मेरी वाट लगा रहे हो। कहाँ से लेकर आए थे उस बड्डे को? इसको बादाम याद है, अखरोट याद है, माधुरी दीक्षित याद है, सोहेल खान याद है, लेकिन माल किधर है, प्रॉपर्टी किधर है, ये याद नहीं है। ओ बुड्ढो के गजनी, अब ये बताओगे इस पर इतना टैक्स क्यों? ए अरे छोड़ो ना भाई, इंडिया में यही प्रॉब्लम है, टैक्स और सेक्स में बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट होता है। सेक्स में ज्यादा? क्या बोला? कुछ नहीं भाई, आपको क्या लेना देना, आप तो वैसे भी लड़की के साथ आधे में उड़ जाते हो। ए चुप। वो मकसूद के कॉल का क्या हुआ? भाई मैं तो कब से कॉल लगा रहा हूँ, मकसूद भाई फोन ही नहीं उठा रहे। ले भाई अब तो इस खटारे को निकाल कर नई गाड़ी ले लो, वरना एक दिन मैं ही आग लगा दूंगा इसको। अबे सड़े ले, खटारा तो तू भी है, तेरे को जला दूं। कमीने, धोखेबाज, नमक हराम, बेईमान। अबे साले मेरे को गाली दे रहा था तू? नहीं भाई आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, वो देखो। हाय जर्मन, हाय फकरू का सलाम भाई। मर्सिडीज 250C, पावर 136 PS, 4 सिलेंडर, 2299 CC, 5100 RPM, टॉर्क 205 NM, मेड इन जर्मन। अबे बिना मुझ के आइंस्टाइन, तेरे को ये भी मालूम है लेकिन माल किधर है मालूम नहीं है। ये छोड़ो भाई, वो देखो फकरू, मैं कहता था ना वो सही आदमी नहीं है। मैं आपके वसूली के पैसे से ऐश करता है। सही बोला। आप इस खटारा में? ए, 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 बिना धुएं की चिमनी, उंगली क्यों कर रहे बे? भाई, भाई ये गाड़ी मैं सिर्फ आपके लिए लाया हूँ,
वो धनपत सेठ कैश देने से मना कर रहा था, मैं उसकी गाड़ी उठा लाया भाई, मर्सिडीज़ है भाई, पूरे 10 लाख की। वाह मेरे शेर, खुश कर दिया तूने, आ जा। चल अब ज्यादा लाड़ में मत उतर। ए मुन्ना जीप जला दे। जला दे जला दे। अब हम मर्सिडीज़ में घूमेंगे। चल तेरे को हाजी अली घुमाता हूं। भाई 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 एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या? एक गाड़ी भी ना आपकी तरह बीच में रुक जाती है। अबे साले प्रॉब्लम क्या है? कुछ खास नहीं है, पेट्रोल की टंकी लीक कर रही है तो 1,75,000 का खर्चा है, और सस्पेंशन के भी वाट लगी हुई है तो ओनली 1,17,000, और हाँ भाई इंजन भी डाउन है तो 3,500 रुपये उसका भी लगेगा, कार्बोरेटर में कचरा भी जाम है, फैन बेल्ट नहीं चल रहा, ब्रेक भी नहीं लग रहा, और ये जो स्टीयरिंग है ना वो मुझे थोड़ा जाम। टोटल खर्चा कितना है? कुछ ज्यादा नहीं भाई, मैकेनिक बोला कुछ 12 लाख का खर्चा आएगा बस। अबे साले 10 लाख की गाड़ी में 12 लाख का खर्चा? हाँ। पहले तू वो बुड्ढे को लेकर आया, फिर ये मैं की चेक लेकर आया, अब ये सड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा ले आया तू। अबे साले सेठ से 3 लाख रुपए लाने थे, तू कैश नहीं ला सकता था? अरे ये क्या आदमी, ए मुन्ना गाड़ी मत चला। अरे मत चला भाई। अरे अरे भाई जीप तो चल गई। अबे साले बटले। भाई मेरी बात सुनो भाई, सेठ से 3 लाख रुपए लाने थे, उसके बदले मैं 10 लाख की गाड़ी ले आया भाई, 7 लाख का प्रॉफिट है। 7 लाख का प्रॉफिट? अबे साले 7 लाख दूंगा तुझे। मकसूद मकसूद, इसको बॉस किसने बताया यार? भाग गया साला। अली भाई एक सेल्फी अपने साथ भी बनता है प्लीज। हाँ। अरे यार ये मनुज का फोन आ गया। कौन मनुज बे? मशहूर मशहूर आया। वो कौन है? अरे वो डेंजर भाई, खतरनाक भाई है वो। अरे भाई कैसे हो? भाई जरूरत से ज्यादा लंबे हैं। तुझे क्या परेशानी है बे? भाई भगवान के बहुत करीब हैं, जब हम सब मर जाएंगे ना तो बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन भाई थोड़ा ही ऊपर जाएंगे। क्यों भाई? चुप ना बे। चलो मैच शुरू हो रहा है, टॉस कौन जीता? हाँ? अरे मियाँ ये क्रिकेट मैच नहीं है, ये गोल्फ है, गोल्फ, इसमें टॉस नहीं होता। देखा गोल्फ के बारे में भी इसको सब मालूम है। अबे बुड्ढो के गजनी, तो अब ये भी बता दे कि दुनिया गोल क्यों है, फरवरी में सिर्फ 28 दिन क्यों होते हैं, और पुरानी फिल्मों में जब हीरोइन ना रही होती थी तभी भूत क्यों आता था, और ये भी बता दे कि बच्चा सिर्फ 9 महीने में क्यों पैदा होता है। सेक्स मरवाएगा बुड्ढा। चलो मैच शुरू हो रहा है, चलो चलना बटला। क्या कर रहा है ये? ए, बड़े भाई का फोन है। हाँ? सलाम भाई। हेलो हेलो, नेटवर्क क्या लगता है? अरे तो भाई खड़े हो जाओ ना, आप तो खुद टावर हो। हेलो। हाँ, हाँ भाई ठीक है भाई। अली विक्रम का तो कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी वही टूर्नामेंट जीतने वाला है। तुगलक कहाँ कहा है इन्होंने? जो बंदा पिछले 5 साल से जीत रहा है वो साल कैसे हार सकता है? ये तो बने ही हैं जीतने के लिए। मैं तो कहता हूँ इनका नाम विक्रम राठौड़ की जगह विक्रमजीत राठौड़ होना चाहिए, चैंपियन है ये। ये जो हम सब खिलाड़ी आए हैं ना यहाँ पे, ये इसलिए आए हैं ताकि इनसे हार सके। मैं तो कहता हूँ टूर्नामेंट वूर्नामेंट है ना, सब छोड़ो बंद कर दो सब, और आगे के 10-12 साल की जो ट्रॉफी है इनके घर पर भिजवा दो। आप कैसे कह सकते हैं कि हार जाएंगे ये? चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि हार गए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इनकी नाक कटेगी, मूछें कटेंगी, बंदा फिर भी स्मार्ट लगेगा। मॉडलिंग फेस है, मॉडलिंग में काम मिल सकता है, फिल्मों का पता नहीं, बहुत स्ट्रगल है फिल्मों में तो, या 2-4 म्यूजिक वीडियो कर सकते हैं, हम तो ठहरे परदेसी टाइप, लेकिन बेइज्जती तो नहीं होगी ना? थोड़ी बहुत बेइज्जती हो भी गई लेकिन रहेंगे तो महलों में ना। चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि महल से उनको जोर से लात पड़ी और ये सड़क पे आ गए, तो मुझे से सड़क छापा आदमी आपको वहीं मिलेगा अगर उसने पूछ लिया कि इधर कैसे, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो क्या जवाब देंगे आप? इसलिए कुल मिला के बात ये है कि आपके पास हारने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। युवराज की जय हो। इट्स ओके डार्लिंग, जस्ट शट अप, हैंड्स डाउन। इज इट रियल? What are you doing here? Get on!